पॉलिसी और निवेश के नाम पर 1,30,00,000 से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने वाले ग्रोह के एक सदस्य को एसटीएफ पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभियुक्त राहुल पांडे की पश्चिमी दिल्ली से गिरफ्तारी की है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड बरामद किया है। आरोपी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट बताकर धोखाधड़ी करते थे। काफ़ी लंबे समय से ग्रोह इंश्योरेंस और पॉलिसी के नाम से लोगों को चूना लगा रहे थे।